वंस अगेन वेलकम टू माई चैनल वन स्टेप फॉर लर्निंग। और आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। जहाँ तक बात है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन UGC नेट या फिर UG PG क्लासेस में पूछे जाते हैं। वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजफुल रहती है टू हेल्प द मैनेजमेंट इन मेकिंग ए डिसीजन, पार्टिकुलर डिसीजन जो फर्म के लिए जाते हैं, तो अक्सर वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से ही कंसीडर किया जाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम बात जब भी करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो वहाँ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर नहीं करते हैं अकाउंटिंग में, बल्कि फर्म की जो मैनेजमेंट है, यानी कि आपकी हम ये कह सकते हैं कि एफिशिएंसी को ज़्यादा बढ़ाया जाता है, ताकि आपका काम जो है वो आपका इजी वे से चल सके। और सेकेंड हमारा क्वेश्चन रहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आपका इनपुट या आउटपुट इन दोनों में से कौन सा रहता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आपका इनपुट और आउटपुट दोनों ही आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के पार्ट हैं, ये दोनों हो सकते हैं। अगर मटेरियल वेरियांस को कैलकुलेट करना है, अगर मटेरियल वेरियांस को आपने फाइंड आउट करना होता है, तो किस वे से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मटेरियल वेरियांस का फार्मूला रहता है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यानी कि प्राइस को आपने माइनस करना है और उसको मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी से कर देना है, तो इससे आपका मटेरियल वेरियांस कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब है डिफरेंस बिटवीन द टू आउटपुट लेवल, दो आउटपुट लेवल के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। तो उसमें हम टू अल्टरनेटिव डिसीजन को कंसीडर करते हैं, यानी कि डिफरेंशियल कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द टू अल्टरनेटिव डिसीजंस। नेक्स्ट है व्हाट इज द अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसको हम फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन दोनों को कंसीडर किया जाता है, तो इसको अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज। तो ऑपरेटिंग का मतलब है बिजनेस को चलाने के लिए, यानी कि आपको फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। लीवरेज का मतलब है कि जहाँ पे आपकी डेट कैपेसिटी ज़्यादा यूज़ की जाती है, यानी कि एक कम्बिनेशन जो है इक्विटी के साथ डेट का लिया जाता है, उसको लीवरेज कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो आपके फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मेजर करती है, कंपनी की कॉस्ट स्ट्रक्चर को शो करती है, जिसमें कि अगर कंपनी की हाई ऑपरेटिंग लीवरेज है तो वहाँ पर आपकी हाई फिक्स्ड कॉस्ट होगी और लो आपकी साथ में वेरिएबल कॉस्ट रहती है। लेकिन कंपनी की अगर लो ऑपरेटिंग लीवरेज है तो वहाँ पे आपका हाई वेरिएबल कॉस्ट और लो फिक्स्ड कॉस्ट रहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी।